सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हेट स्पीच मामले में घेरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर हेट स्पीच मामले में कड़ी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर हेट स्पीच मामले में क्या कहा है, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हेट स्पीच मामले में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना तर्क दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को तमाम माहौल बिगड़ने का देश में जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस वक्त जो भी माहौल हो रहा है वो सब कुछ इसी हेट स्पीच की वजह से है, यानी नफरती बयान की वजह से यह माहौल देश का बिगड़ रहा है, नफरती बयान की वजह से यह माहौल खराब हो रहा है और सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठा रही है। यानी सरकार की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हेट स्पीच को रोकने के लिए मौजूदा सरकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको यह बता दूं कि हेट स्पीच का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। धर्म संसद हुई हो या उसके अलावा जो अलग अलग बयानात दिए गए हैं उसमें हेट स्पीच शामिल रही हो। जैसा कि अभी आपने ताजा मामले देखे होंगे कि जिसमें मुसलमानों के साफ साफ कत्लेआम की बात की जा रही है, मुसलमानों का बहिष्कार करने की बात की जा रही है, उनको सबक सिखाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको चुन चुन कर मारेंगे। तो ये तमाम चीजें जब सामने आई हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस यूयू ललित और उनके साथ एक और जज, उनकी इस पीठ ने इस पूरे मामले पर जो सुनवाई की है, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसमें साफ साफ केंद्र सरकार को यह कह दिया है कि इस पूरे मामले पर सरकार लापरवाही बरत रही है, सरकार इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है या करना नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ लफ्जों में यह निर्देश दे दिए हैं कि कार्रवाई इन मामलों पर क्यों नहीं हो रही है। जब इस पूरे मामले को लेकर जो वकील हैं याचिकाकर्ता के, उन्होंने जाती तौर पर यह कहा कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर यह पूरा माहौल बनाया जा रहा है और नफरत अंगेज स्पीच, हेट स्पीच, नफरत अंगेज बयानात जो दिए जा रहे हैं उनसे फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को पूरी तरह से माना और कहा कि हां बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, खबर के अनुसार अगर बात की जाए तो साफ लफ्जों में यह कहा गया है कि उत्तराखंड और दिल्ली ये राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है, क्योंकि उत्तराखंड का आपको मालूम होगा कि वहां धर्म संसद हुई थी और धर्म संसद में जिस तरह से नफरत अंगेज बयानात दिए गए थे, दिल्ली में भी एक धर्म संसद हुई थी उसमें भी नफरत अंगेज बयानात दिए गए थे जिसमें नरसिंहानंद सरस्वती वगैरह जैसे लोग ये सभी शामिल थे, जिसके बाद नरसिंहानंद सरस्वती जेल में भी गए थे और उसके फौरन बाद बाहर भी आ गए थे। जितेंद्र नारायण त्यागी जेल की सलाखों के पीछे कई महीने तक रहे थे, उर्फ वसीम रिजवी। अब आप सुनिए कि उत्तराखंड और दिल्ली दोनों सरकारें यानी राज्य सरकारों से भी जवाब तलब किया गया है कि आपने अपने राज्य में इस तरह के प्रोग्रामों के आयोजन कैसे होने दिए कि जिसमें एक विशेष समुदाय के इस तरह के बायकॉट की बात हुई और बायकॉट के साथ साथ उनके नरसंहार की बात हुई, उनको कत्लेआम करने की बात की गई, उनको मारने की बात की गई, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ किस तरह से पूरा एक षड्यंत्र रचा गया, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मानी हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस यूयू ललित, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है और अब इस पूरे मामले को मजबूती से लेकर आगे बढ़ने के लिए जो इस वक्त याचिकाकर्ता थे उनसे कहा गया है कि अगर आप हमें कोई दलायल देंगे यानी दलीलें देंगे, कुछ मिसालों के तौर पे हमें आप समझा पाएंगे इस पूरे मामले को, तो उसमें ज्यादा मजबूती होगी, वरना यह याचिका ऐसे ही हल्के तौर पर सामने आ जाएगी। इसलिए अब हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है और उस हलफनामे में मिसालों के तौर पर जो जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनकी भी मिसालें मांगी गई हैं ताकि कार्रवाई करने में उन पर आसानी हो सके। और केंद्र सरकार से यह जवाब तलब किया गया है कि आखिर
क्यों इसमें ढील दी जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अब सख्त रवैया सामने आ रहा है, क्योंकि अगर आप समझें तो हेट स्पीच का यह पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए हेट स्पीच ही जिम्मेदार ठहराई जा रही है मुल्क के माहौल की, बिगड़ते माहौल की, मुल्क में एक दूसरे से नफरत फैल रही है उसकी जिम्मेदार भी यही हेट स्पीच है जो नेताओं के जरिए दी जाती है। अब चाहे उसमें आप किसी भी समुदाय के नेता की या किसी भी पार्टी के नेता की बात कर लीजिए, उसमें हेट स्पीच जिम्मेदार है मुल्क का माहौल बिगाड़ने में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाकर्ता के वकील ने इस पूरे मामले पर जाती तौर पर अपनी बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें मजबूती के साथ इस मामले पर आगे बढ़ना है, क्योंकि सरकार को जिस तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है, मौजूदा सरकार को कहा गया है कि वो कार्रवाई नहीं कर रही है। आड़े हाथों लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस यूयू ललित ने सीधे तौर पर, कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब नुपुर शर्मा का मामला आया था उसमें किस तरह से पूरे मुल्क में आग लग गई थी एक नुपुर शर्मा के बयान के बाद, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणियां दी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहरा दिया नुपुर शर्मा को देश में आग लगने का, उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का एक और फिर बयान सामने आया और उस पूरे मामले पर नुपुर शर्मा को उसमें राहतें दे दी गई। लेकिन अब क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को खुद भी मान रहा है कि इस वक्त देश में नफरती बयानों का जो सिलसिला है वो देश के माहौल को बिगाड़ रहा है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की फिर से उसी तरह आलोचना करेंगे लोग जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बयानबाजी का सिलसिला जारी हुआ था जब नुपुर शर्मा का मामला चल रहा था? तो क्या अब भी जब सुप्रीम कोर्ट ने नफरती बयानों पर रोक लगाने की बात की है और नफरती बयानों को ही देश के बिगड़ते माहौल का जिम्मेदार ठहराया है, तो क्या अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूयू ललित के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा, उनके खिलाफ इस तरह की बातें की जाएंगी कि जैसे नुपुर शर्मा वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, उस पीठ के खिलाफ की गई थी? तो अब सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में तो लिया है और संज्ञान में लेकर यह तो माना है कि इस वक्त जो भी माहौल देश में बन रहा है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार ये नफरती बयान है और इन नफरती बयानों पर रोक न लगाकर मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी गलती कर रही है जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।